औद्योगिक क्षेत्र में BVN के तहत भुट के पास एक मेडिपॉल फार्मा फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। घटना करीबन 10 बजे की बताई जा रही है। जो फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे तो तीसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग बद्दी को दे दी गई। पहले दमकल विभाग की ओर से दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग का विराट रूप धारण होता देख दमकल विभाग की ओर से तीन और गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गई। अभी भी दमकल विभाग की पांच गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग ने तीसरी मंजिल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है। आग लगने का कारण तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मौके पर है। मामला तो बद्दी के एरिया का है। हमारे को सूचना मिली है कि मेटपॉल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें आग लगी है, आपको सहायता के लिए आना है। तो हम अपनी दो गाड़ियां लेकर जो है मौके पर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग में जो है पूरी तरह से आग चारों तरफ लगी है और इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ जिसके अलावा बद्दी, नालागढ़ और वर्धमान की गाड़ी भी आपके सामने जो लगी है वो आग बुझाने का काम कर रही है। सर, कारणों का कुछ पता चला? ये अभी देखिए, आग बुझाने का काम चल रहा है। जैसे ही आग बुझ जाएगी उसके बाद हम पता लगाएंगे कि क्या कारण रहा है आग लगने का। सर, प्राथमिक दृष्टि में क्या पता चल रहा है, केमिकल फायर है, किस तरह की आग है? ये कुछ जो इनके कर्मचारी वो कह रहे थे कि किसी प्रकार का धमाका हुआ है, उससे यही लगता है कि कोई जो है केमिकल एक्सपोजर। कोई जानी नुकसान वगैरह किसी? अभी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और जो इनके कर्मचारी है उनके अनुसार किसी भी प्रकार का जो कोई है नुकसान नहीं हुआ है।